लेक्चर में आने वाला। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ रिवॉल्व्स आएगा क्यों, एस का इजाफा करेंगे क्योंकि अर्थ सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिगर है। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ ये हमें इशारा दे रहा है ग्लोब, ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक की, इसका हमें पास्ट का फिगर है। तो अगर तर्जमा करके देखते हैं, वो स्कूल जा रहे थे जब तूफान आया, तो यहाँ आएगा दे वर गोइंग टू द स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं, ये पास्ट का फिगर है, शर्ट की तीनों फॉर्म शर्ट्स होती हैं, तो यहाँ आएगा शर्ट, ही शर्ट द डोर सॉफ्टली, शर्ट की पहली दूसरी तीसरी फॉर्म शर्ट ही होती है। अगर इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ ऑलवेज हमारे लिए सिंगल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। तो दे के साथ हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करना है, यहाँ ऐसे ही एस का इजाफा नहीं होगा। अगर इस फिगर को देखते हैं, अगेन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, सेट के साथ द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस को देखते हैं, सिंस हमारा सिग्नल वर्ड है, इसने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूस का फिगर है, तो ये होगा ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस 1970। इस फिगर को देखते हैं तो इसी फिगर की एग्जांपल है, मैं चाय बना रहा था जब गंदी बजी, तो रैन सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा आई वाज मेकिंग द टी व्हेन द डोर बेल रैन, ये सेकंड फॉर्म है, इसने हमारी हेल्प की कि यहाँ पास में कंटिन्यूस फिगर आएगा। इस फिगर की बात करते हैं, एट प्रेजेंट ने हमें बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिगर है, तो ये होगा इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। आपने सिग्नल वर्ड्स को याद रखना है, और पेपर में इनमें से कोई फिगर या इससे रेलेवेंट फिगर आए तो उसको आप हल करने के काबिल होंगे।